राहुल सर यहाँ देख सकते हैं बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं। लिख रहा है, पता नहीं कौन सा स्क्रिप्ट लिख रहा है, कौन सा पिक्चर बनेगा। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा रिंकी ब्लॉग में आपका स्वागत है आज एक नए वीडियो में। और आप लोग कैसे हो, भगवान से मनाते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज शनिवार था, आज नहा धोकर के और पूजा वूजा हम कर लिए हैं और आज थोड़ा सा जा रहे हैं अपने दीदी के घर। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं मेरी बहन कहाँ रहती है, हमसे बड़ी है, बड़ी दीदी है हमारी वो। और आज राहुल सर का भी घर हम जा रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे राहुल सर का घर। और राहुल सर से मिलने के लिए हम जा रहे हैं थोड़ा सा, तो चलिए मिलते हैं और उनके घर में। तो चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं मेरा दीदी घर कहाँ है और कैसे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं दीदी के घर। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं दीदी का घर और राहुल सर से भी थोड़ा सा मुलाकात करना है आज। तो चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं राहुल सर के घर में और थोड़ा सा दीदी का भी घर जा रहे हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी हम गिरिडीह सीमा पर पहुँच चुके हैं। ये जो आप पुल देख रहे हैं ये इधर आपका गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और इधर से हम अभी आए हैं, इधर जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और बीच में ये एक पुल है जो गिरिडीह और जामताड़ा को जोड़ता है। तो हम लगभग राहुल सर का घर से अभी 10 किलोमीटर पीछे हैं दोस्तों। तो चलते हैं राहुल सर का घर। तो दोस्तों ऑलरेडी हम राहुल सर का घर पहुँच चुके हैं और अभी अभी हम राहुल सर का घर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं यही उनका घर है और अभी चलते हैं देखते हैं राहुल सर घर में है कि नहीं है और मिलते हैं राहुल सर से। तो राहुल सर यहाँ देख सकते हैं बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, लिख रहा है, पता नहीं कौन सा स्क्रिप्ट लिख रहा है, कौन सा पिक्चर बनेगा, कहना मुश्किल है। और अभी ब्लॉग देख रहे हैं और एक्चुअल में ये हमारी दीदी है और इनका बेटा है ये राहुल और ये है मेरा भांजा और ये जो है कृति, एक बॉस यहाँ पे बैठा हुआ है, ये है मेरा दीदी का बड़ा बेटा, बड़ा भांजा मेरा। हेलो, ये अभी मेरे साथ जाएगी मेरा घर टुक टुक को खिलाने के लिए, स्पेशल उसी के लिए जा रही है। तो ये अभी साथ में जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है राहुल सर का सेटअप और यहीं पे ये वीडियो प्रत्येक दिन बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये है ट्राइपॉड रखा हुआ है और ये लाइट रखा हुआ है और यहीं पे राहुल सर बैठ करके प्रत्येक दिन वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये भी यूट्यूबर है। आप तो दोस्तों हम लोग चले अपना घर और हमारे साथ में कृति भी जा रही है आज घर और कुछ देर में हम लोग घर पहुंचते हैं, लगभग यहाँ से 1 घंटा लगता है जाने में। तो फिर मिलते हैं जा करके घर में। तो दोस्तों अभी अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं पापा अभी चना भर रहे हैं, कुछ देर के बाद हटिया निकलना है, सामान भी यहाँ पे पैकिंग करके रखा है। सोनू और पापा दोनों मिलकर के आज सामान बनाया है, हम तो चले गए थे दीदी के यहाँ। तो अभी जस्ट हम लोग घर पहुँच ही रहे हैं, अब थोड़ा सा खाना खाएंगे और पापा को पहले ले जा कर के हटिया छोड़ेंगे क्योंकि 3 बजने वाला है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हटिया से आने के बाद। तो दोस्तों अभी हम पापा को छोड़ करके हटिया से आ चुके हैं घर और थोड़ा सा टुक टुक के साथ मस्ती कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं टुक टुक अभी दूध पी रहा है और अभी खूब मस्ती कर रहा है ये, और ये इसका स्पेशल खटिया है दोस्तों, देख सकते हैं 2 घंटा 3 घंटे के लिए बाहर में 3 बजे के समय में ये सोता है इसी मस्त खटिया में। आप देख सकते हैं खटिया बहुत जबरदस्त है। तो और टुक टुक को भी देख सकते हैं, हम जो बोल रहे हैं ये सुन रहा है कि पापा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अभी चलेंगे बागवानी और मेरे साथ में मेरे भांजी भी चलेगी बागवानी क्योंकि अभी तक देखी नहीं है कौन कौन सा पेड़ हम लोग लगाए हैं वहाँ पे और पेड़ कितना बड़ा हो चुका है। और आज से लगभग 20 दिन पहले बैंगन भी रोपे हैं दोस्तों, तो चलते हैं दिखाते हैं बैंगन कितना बड़ा बड़ा हुआ है, फलने में और कितना दिन लगेगा। तो चलते हैं मेरा बागवानी। दोस्तों हम लोग बागवानी पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं आम का पेड़ बहुत ही शानदार है
देख सकते हैं आम का पेड़ बहुत ही अच्छा है और लगभग 50 से 55 आम का पेड़ हम लोग लगाए हैं। आप देख सकते हैं आम का पेड़ कितना अच्छा है अभी और बड़ा बड़ा भी हो चुका है। सागवान का भी पेड़ आप देख सकते हैं, सागवान का भी पेड़ बहुत ही बड़ा हो गया है। और इन साल हम लोग यहाँ पे बिचड़ा पाड़े थे जिसको धान का बिहन कहता है, तो इन साल खेती नहीं हो पाया जिसके कारण देख सकते हैं आप धान यहीं पे हो चुका है। आप देख सकते हैं यहीं पे धान हो गया है और छोड़ दिए थे इसको ले जा करके, तो खेती खेत में इसको लगा नहीं पाए थे, लेकिन आप देख सकते हैं धान बहुत ही शानदार हो गया है। और देख सकते हैं आप धान कितना अच्छा हुआ है दोस्तों। और अपना भगनी को भी थोड़ा सा आम बागवानी घुमा रहे हैं, टुक टुक को लेकर के आई है साथ में, और इसको बच्चा से बड़ा प्यार है इसलिए हम लोग दोनों अभी मामा और भांजी यहाँ पे हैं बागवानी में अपना। तो आप लोगों को दिखाते हैं बैंगन जो रोपे थे ये कितना बड़ा बड़ा अभी हुआ है, तो आप देख सकते हैं बैंगन इतना बड़ा बड़ा अभी हो चुका है और कुछ में तो फूल भी आ गया है। देख सकते हैं बैंगन में फूल भी आ गया है दोस्तों, यहाँ पे आप फूल देख सकते हैं। ये अब कुछ दिन में ये फलना स्टार्ट हो जाएगा, कांटा कांटा वाला बैंगन है। तो दोस्तों पापा को लेकर के हम आ चुके हैं हटिया से घर और अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं दोस्तों, अब खाना खाएंगे और सीधा आराम करेंगे। तो दोस्तों आशा है आज का वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह का वीडियो में मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। मेरे सब्सक्राइबर्स को एक्सपोज कर रहा हूँ मैं आज। बंद नहीं कर रहा, जा रहे हैं।